दोस्तों नमस्कार। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का आपके रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स में क्या रोल होता है। आप कहेंगे अनूप जी ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती क्या है, यही तो एक क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले इसके आंसर को समझना है और जब आप इस आस्पेक्ट को समझेंगे तो उसके बाद में मैं सी अनूप भाटिया आपके समक्ष इससे जुड़े इनकम टैक्स आस्पेक्ट्स को भी रखूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी एक रियल एस्टेट बेचने जा रहे हो या कोई रियल एस्टेट बाय कर रहे हो तो आपको अपने ट्रांजेक्शन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के इन्वॉल्वमेंट का इनकम टैक्स से रिलेटेड आस्पेक्ट पता हो और आप किसी अननेसेसरी इनकम टैक्स कॉन्सिक्वेंस में ना उलझ जाए। इस विषय पर दोस्तों ये वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले आपके सामने इस बात की व्याख्या रखता हूं या अंडरस्टैंडिंग रखता हूं कि व्हाट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सर्किल रेट। और हम में से बहुत से लोगों को हो सकता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है, सर्किल रेट क्या है, ये भी ध्यान नहीं रहे, क्योंकि हो सकता है आप पहली बार कोई प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हो या खरीदने जा रहे हो तब आपको ये वैल्यू समझ में आए कि फॉर एन एग्जाम्पल एक्स और वाई के बीच में एक ट्रांजेक्शन है दोस्तों, और एक्स ने तय किया कि वो वाई को अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी 40 लाख रुपीज में बेचेंगे। ठीक है, अब ये दोनों व्यक्ति एक सेल डीड बनाएंगे और उस सेल डीड को जो भी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रार होगा रिलेवेंट स्टेट के अनुसार, रिलेवेंट डिस्ट्रिक्ट के अनुसार उसके पास प्रस्तुत करेंगे। अलग अलग स्टेट में इस अथॉरिटी के अलग अलग नाम हो सकते हैं, पर एक बात हम सब समझते हैं कि कोई भी रियल एस्टेट रिलेटेड ट्रांजेक्शन दो पार्टीज के बीच यदि होगा तो उसकी एक रजिस्ट्री की जाएगी। अब आप रजिस्ट्री करने के लिए जिस अथॉरिटी के पास में जाते हैं वो अथॉरिटी इवेल्युएट करती है इस प्रॉपर्टी को कि हाँ साहब एक्स जो वाई को प्रॉपर्टी 40 लाख रुपए की बेच रहा है क्या स्टेट रूल के हिसाब से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख है या ज्यादा है। मान लीजिए वैल्यू ज्यादा है 40 लाख से, सपोज 50 लाख है, तो देन एक्स को या वाई को जो भी स्टैम्प ड्यूटी भुगत रहा हो उसे 50 लाख के हिसाब से 5-6% 7% जो भी स्टैम्प ड्यूटी की रेट बनती हो उस पर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब एक्चुअल ट्रांजेक्शन चाहे 40 का हो पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से जो कि हम डीएलसी रेट भी कहते हैं, जिसे हम सर्किल रेट भी कहते हैं, जिसे हम स्टैंडर्ड रेट भी कह सकते हैं, उस रेट के हिसाब से आपको रजिस्ट्री के समय के चार्जेस भुगतने पड़ेंगे। ये तो हुआ स्टेट के अनुरूप किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्री के चार्जेस तय करना। अब मुझे आपके साथ जो डिस्कशन करना है वो ये सब, यदि प्रॉपर्टी का एक्चुअल ट्रांजेक्शन 40 लाख पर है जबकि उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख है या उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 30 लाख है तो उससे हमारे ट्रांजेक्शन की सेहत पर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपैक्ट आता है, ये बात मैं आगे की स्लाइड्स में आपके साथ डिस्कस करता हूं। अब दोस्तों सबसे पहले आपके समक्ष एक सेलर का पर्सपेक्टिव रखता हूं कि यदि आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो एज अ सेलर एक विक्रेता के रूप में ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपके ट्रांजेक्शन को कैसे इंपैक्ट करती है। मान लीजिए मैं उदाहरण से अपनी बात रख रहा हूं कि देयर इज सम पर्सन हुज नेम इज मिस्टर अमित एंड ही इज सेलिंग अ प्रॉपर्टी विच इज सिचुएटेड एट जयपुर फॉर ₹60 लाख। एज पर द प्रिवेलिंग सर्किल रेट या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 75 लाख। तो आप इस ट्रांजेक्शन में देखिए कि सर्किल रेट तो कितनी है साहब इस प्रॉपर्टी की, 75 लाख, जबकि एक्चुअली में ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हो कितने पर रहा है, 60 लाख रुपीज पर। अब जब कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा मिस्टर अमित के हाथ में जो सेलर है इस ट्रांजेक्शन में, तो फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अमित वेदर सेल कंसिडरेशन विल बी 60 लाख और 70 लाख। आप कहेंगे अनूप जी 60 लाख में बेचिए तो 60 लाख के हिसाब से कैपिटल गेन कैलकुलेट करें। नहीं दोस्तों, यहां पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 50C ये कहता है कि यदि आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या सर्किल रेट से कम पर प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपके कैपिटल गेन कैलकुलेशन के पर्पजे से हम उस ट्रांजेक्शन में जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी सपोज 70 लाख प्रेजेंट केस में इस एग्जाम्पल में, उससे कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, मान लीजिए मिस्टर अमित की प्रॉपर्टी की कॉस्ट होती 50 लाख, यानी एक्चुअली उनको कैपिटल गेन तो हो रहा है 60 लाख माइनस 50 लाख 10 लाख का, लेकिन जैसे ही मैं ये एक फिक्शन लेकर के आ रहा हूं इनकम टैक्स एक्ट 1961 से, तो इनकम टैक्स क्या कहता है, नहीं नहीं सर हम 10 लाख का कैपिटल गेन नहीं मानेंगे, हम तो 70 लाख को सेल कंसिडरेशन मानेंगे माइनस 50 लाख आपकी कॉस्ट, तो हमारे हिसाब से आपका 20 लाख का कैपिटल गेन है। इस केस में मिस्टर अमित को 20 लाख के कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ेगा। इसका मैसेज क्या हुआ, मैसेज ये हुआ
यदि आप किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या सर्किल रेट से कम पर बेचते हैं, तो आप कैपिटल गेन के पर्पजेस से मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लगाते हुए ही अपनी कैपिटल गेन की गणना करेंगे। अब दोस्तों बात करता हूं कि इस ट्रांजेक्शन में जहां पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर कोई प्रॉपर्टी बिकती है, तो एक व्यक्ति खरीद भी तो रहा है, क्या क्रेता पर भी कोई प्रभाव आता है क्या? इसी बात को एक एग्जाम्पल से फिर रखता हूं कि देर इज सम पर्सन हुज नेम इज मिस्टर प्रशांत, ही इज बाइंग अ प्रॉपर्टी विच इज सिचुएटेड एट जोधपुर फॉर ₹30 लाख। एज पर प्रिवेलिंग सर्किल रेट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज ₹40 लाख। वेदर एनी इनकम टैक्स कॉन्सिक्वेंसिस विल अराइज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर प्रशांत ड्यू टू बाइंग एट अ लोअर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? यहां पर दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 चलेगा। वो ये कहता है कि यदि आप एक बायर के रूप में कोई प्रॉपर्टी फ्री में प्राप्त कर रहे हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर रिसीव कर रहे हैं, तो आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से जितने कम पर प्रॉपर्टी रिसीव कर रहे हैं, उतनी इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। यानी ये जो उदाहरण मैंने आपके समक्ष रखा, वहां मिस्टर प्रशांत को 40 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की प्रॉपर्टी मात्र 30 लाख में मिल रही है, तो 10 लाख रुपए का जो बेनिफिट उनको दिख रहा है, चाहे वास्तव में हो या ना हो, लेकिन ये नोशनल बेनिफिट उनके हाथ में अंडर सेक्शन 56(2)(10) इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये एक इंपैक्ट बायर पर भी इस तरीके के ट्रांजेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हमारा डिस्कशन ये आया कि ओके, व्हाट इफ द फेयर मार्केट वैल्यू इज एक्चुअली लेसर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सर्किल रेट। यहां तक आते आते आप ये तो समझ गए कि ओके अनूप जी, जब भी कोई प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन, रियल एस्टेट का ट्रांजेक्शन अपनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर होगा, तो उसका इंपैक्ट सेलर पर भी आएगा और उसका इंपैक्ट बायर पर भी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, कि सेलर का कैपिटल गेन का कैलकुलेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से गिना जाएगा अगर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कम है। आप एक और क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, अनूप जी, अगर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है, तो हमारे कैपिटल गेन की गणना एक्चुअल सेल कंसिडरेशन होगी या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? नहीं सर, उस केस में एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से की जाएगी गणना। यानी मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर पर आपकी कैपिटल गेन की गणना होगी। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये आता है कि पिछले दोनों एग्जाम्पल में हमने बायर सेलर में देखा कि उनके हाथ में एडिशन हो रहे थे, ये एक तरीके का डबल टैक्सेशन भी है, पर इसकी कोई रिलीफ नहीं। अब जो बात समझने की है वो क्या है कि ये जो ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 50C या 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 से टैक्सेशन लेकर के आ रहे हैं इन द हैंड्स ऑफ सेलर और बायर रिस्पेक्टिवली, इसका तोड़ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप कहते हैं कि नहीं साहब, ये ट्रांजेक्शन वास्तव में जेन्युइन वैल्यू पर हुआ है, प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है जबकि उसकी मार्केट वैल्यू कम है, तो दोनों ही सेक्शन में, चाहे वो सेक्शन 50C हो दोस्तों या 56(2)(10) हो, इन दोनों ही सेक्शन में ये व्यवस्था है कि आप चैलेंज करें इनकम टैक्स अथॉरिटी को, साहब मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने बेची या जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है। अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू जो चैलेंज आप कर रहे हैं वो सही एस्टेब्लिश हो जाती है, तो आपकी इनकम में कोई एडिशन नहीं होगा, और अगर ऐसा चैलेंज सही नहीं एस्टेब्लिश होगा, तो देन इन दैट केस आपके हाथ में एडिशन होना स्वाभाविक है। और आजकल दोस्तों ऐसे बहुत से मामले हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के रेफरेंस से ही करदाताओं के अगेंस्ट में खोल रहा है। तो दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात आपके समक्ष रखता हूं कि इज देयर अ सेफ हार्बर। सेफ हार्बर का मतलब क्या होता है कि बढ़िया कि कुछ रेंज तो दो कि इस रेंज के अंदर अगर ट्रांजेक्शन हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दो एग्जाम्पल से अपनी बात रखता हूं। सपोज मिस्टर पीयूष इज सेलिंग अ रेजिडेंशियल प्लॉट एट 45 लाख, वेयर एज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी इज 48 लाख। अब लॉ क्या कहता है, यहां मिस्टर पीयूष सेलर हैं और इनके लिए सेक्शन 50C लागू होगा, इनके एक्चुअल सेल कंसिडरेशन के 10% के अंदर अंदर अगर स्टैम्प ड्यूटी आ रही है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रही है, तो इन्हें कोई एडिशन नहीं होगा। अब 45 लाख का 10% हुआ दोस्तों 4.5 लाख। 4.5 लाख यदि मैं 45 लाख में जोड़ता हूं, तो मेरे पास फिगर आएगा 49.5 लाख, क्योंकि इस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 48 लाख है, तो मिस्टर पीयूष के कैपिटल गेन की गणना 45 लाख माइनस कॉस्ट पे की जाएगी, ना कि 48 माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो ये एक फायदा आपको दिखा। ऐसे ही अब बायर का केस देखिए कि देयर इज सम मिस्टर तरुण हु इज बाइंग अ रेजिडेंशियल फ्लैट एट ₹25 लाख।
whereas the stamp duty value of the flat is 27 lakh. So would there be any addition in his hand? तो एक्चुअल परचेज प्राइस कितना है दोस्तों? 25 लाख. इसका 10% हुआ 2.5 लाख, यानी 27.5 लाख. तो अगर वो 25 लाख रुपए के एक्चुअल सेल कंसिडरेशन पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और इसका 10% 27.5 लाख के अंदर अंदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो कोई एडिशन नहीं होगा एज अ बायर ऑल्सो. तो यहां पर मिस्टर पीयूष एज अ सेलर सेफ थे, मिस्टर तरुण एज अ बायर सेफ है. तो ये भी एक रेंज जो प्रेजेंटली लॉ में है, जब मैं आपसे 2023 में ये डिस्कशन कर रहा हूं, तो उस समय की 10% की रेंज मैंने आपके समक्ष एक एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर रखी. अब दोस्तों अगली बात आपके समक्ष ये भी रखना चाहूंगा कि अनूप जी, ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर सेक्शन 50C या 56-10 का प्रभाव होता है, या जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के दायरे में आती है. मैं ये कह सकता हूं सर, चाहे आपके पास में रेजिडेंशियल हाउस हो या फ्लैट हो, रेजिडेंशियल प्लॉट हो, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो, कॉमर्शियल प्लॉट हो, या कॉमर्शियल ऑफिस अथवा फैक्ट्री बिल्डिंग हो, आप किसी भी नाम से रियल एस्टेट का कंपोनेंट इन्वॉल्व कर लें, आप पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से रिलेटेड ये प्रावधान जो मैंने डिस्कस किए लागू होंगे. दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे प्रोफेशनल अनुभव से मैं ये समझ पाया, देख पाया कि बहुत से लोग जब रियल एस्टेट के ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के प्रभाव को उस समय नहीं मानते या उन्हें उसका अनुभव नहीं होता, और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब उन्हें नोटिस भेजता है तो उनके पास में करने के लिए कुछ शेष नहीं होता, एडिशन उनके हाथ में होना निश्चित होता है. मैं ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जब भी आप कोई रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं तो या तो उसे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर करिए ताकि एज अ सेलर बायर आपके ऊपर कोई पर्टिकुलर इंपैक्ट ना आए, या एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से 10% की रेंज तक अगर आप वेरिएशन में जाते हैं तो भी आप सेफ हैं, और अगर आप फिर भी लोअर वैल्यू पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एज अ सेलर या एज अ बायर, तो उस परिस्थिति में मैं ये मान के चल रहा हूं कि उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू कम है. पर आप प्रूव कैसे करेंगे कि फेयर मार्केट वैल्यू कम है? उसके लिए एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिपोर्ट लेकर के रखेंगे तो भविष्य में आपके लिए बड़े काम की होगी. ये कुछ बड़े यूजफुल इंपॉर्टेंट इंपैक्ट जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं मैंने आपके समक्ष रखे. आई होप ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध है. मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.